आसूस क्रोमबुक इंटेल सेलरॉन N4020 प्रोसेसर के साथ आने वाले इस लैपटॉप के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बैटरी बैकअप, डिस्प्ले क्वालिटी, कौन कौन सा पोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है, क्या क्या काम हम इस लैपटॉप में कर पाएंगे और स्टूडेंट के लिए यह लैपटॉप बेस्ट रहेगा या फिर नहीं, स्पीकर की साउंड क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा क्योंकि इस लैपटॉप को हमारे सब्सक्राइबर ने बाय किया था। तो हमने बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी है जो कि आपको नहीं पता होंगी, जो कि दूसरे वीडियो में नहीं बताई जाती है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, और आपको बता दूं कि यह लैपटॉप आपको ऑनलाइन ही सस्ते में मिलेगा, जिसको कि बाय करने का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऑर्डर कर पाएंगे ऑनलाइन ही, आपको सस्ते मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ फोटोज़ क्लिक किया, आपको दिखाते हैं और लैपटॉप के बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर कर लेते हैं। दोस्तों, इस आसूस क्रोमबुक के सबसे पहले एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, क्रोमबुक लेने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको इसके अंदर प्ले स्टोर देखने को मिल जाता है। आप इस लैपटॉप को इस तरह से समझिए कि आपका एक एंड्रॉयड फ़ोन है, उसको एक बड़े स्क्रीन पर ला दिया गया है जिसमें कि कीबोर्ड माउस भी अटैच्ड है। तो कुछ इस तरह का आप समझेंगे तो लैपटॉप को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि इस लैपटॉप में आप वही ऐप्स यूज़ कर सकते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐप्स ऐसे भी आते हैं जो कस्टमाइज़ करके आते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रोमबुक के लिए। तो आप इस लैपटॉप में टाइपिंग भी कर पाएंगे, टैली अगर आप इस लैपटॉप में यूज़ करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर ऐप्स बहुत सारे मिलते हैं, उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में आप इस लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट ये सब आती है, ये सभी आप इस लैपटॉप में यूज़ कर पाएंगे। साथ ही में ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो यह लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो यह बात यहाँ पर हो जाती है कि इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप जो है वो 9 से 10 घंटे का हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस लैपटॉप को आप चार्ज करेंगे तो इसमें आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। तो अगर आपके पास घर में लाइट नहीं भी रहती है तो पावर बैंक को भी यूज़ करके लैपटॉप को आप चार्ज कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ जो है लैपटॉप में प्लस पॉइंट हो जाती है। इस लैपटॉप में आपको 4 GB का रैम, 64 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, और साथ ही में SD कार्ड का स्लॉट भी आपको मिल जाता है, जिसमें कि आप जो है ना एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं जो कि 2000 GB तक सपोर्ट करता है। तो आगे के लिए भी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है यह जो लैपटॉप है। चलिए अब हम इसके दूसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसका डिस्प्ले। तो इस लैपटॉप में आपको HD डिस्प्ले दिया गया है 11.6 inches का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और आउटडोर में भी काफ़ी इजीली विजिबल भी रहता है। आप कहीं ट्रैवल भी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्प्ले क्वालिटी में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा डिस्प्ले का क्वालिटी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह लैपटॉप लगभग चार्ज होने में 1.5 घंटे का समय लगाता है और उसके बाद आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही में आप चार्ज में लगा करके भी लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बात करें लैपटॉप के वारंटी के बारे में, तो 1 साल की वारंटी मिलती है, और अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो बॉक्स के अंदर आपको बिल मिलेगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। तो ऑनलाइन लेना बिल्कुल ही सेफ है, डेफिनेटली आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और कोई दिक्कत आती है तो ऑल ओवर इंडिया में इसकी सर्विस अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी सर्विस भी मिलती है। इस लैपटॉप में जो है आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, यूँ कहे तो डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड है, और आपको अलग से स्पीकर वगैरह कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करें यहाँ पे लैपटॉप में पोर्ट्स के बारे में, तो USB पोर्ट, साथ ही में टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक, ये सारे पोर्ट्स आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं। इस लैपटॉप में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है जिससे कि आप इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे कनेक्ट करने के बाद। अगर आप चाहते हैं लैपटॉप में गेम्स खेलना तो डेफिनेटली आप गेम्स खेल सकते हैं, प्ले स्टोर में जो भी गेम्स आते हैं आपको इस लैपटॉप के उसको आप इंस्टॉल करके वहाँ से आप प्ले कर पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेसिकली इस लैपटॉप को लोग लेते हैं, जैसे कि YouTube पे ऑनलाइन लेक्चर्स ले ले, अनअकैडमी पे, फिजिक्स वाला ऐप पे, एटसेट्रा, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, तो उन सभी को यूज़ करने के लिए बेसिकली लोग जो है ये क्रोमबुक खरीदते हैं। और इस बजट में अगर आप एक विंडोज़ लैपटॉप लेने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हैंग भी करेगा, लेकिन यह लैपटॉप हैंग नहीं करेगा क्योंकि क्रोमबुक जो है वो लाइट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड होते हैं, जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी अच्छे से चलता है, स्मूथली चलता है। और इस बजट में क्रोमबुक ही लेना चाहिए क्योंकि इसमें हमारा काम काफ़ी आसानी से हो जाता है। ओवरऑल इस लैपटॉप के अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, प्लास्टिक का मेटल का यूज़ किया गया इस लैपटॉप में, वो भी ए ग्रेड प्लास्टिक का, जो कि है ना इस लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है और लंबे समय तक यह लैपटॉप टिकेगा। साथ ही में दोस्तों आपको बता दूँ, इस लैपटॉप का जो वेबकैम है वो HD क्वालिटी का है, वीडियो कॉल करने में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। 180 डिग्री तक यह जो लैपटॉप है वो हिंज जो इसका ओपन हो जाता है, और एंटी ग्लेयर डिस्प्ले इस लैपटॉप में दिया गया है। तो ओवरऑल यही था इस लैपटॉप के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप खोज रहे हैं तो यह लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा, सारे ऐप्स इसमें चले जाएंगे और काफ़ी ईजिली जो है ना आप इसको यूज़ भी कर पाओगे। विंडोज़ लैपटॉप अगर इतने कम दाम में लोगे तो बहुत ज़्यादा हैंग करेगा, तो क्रोमबुक एक बेस्ट चॉइस रहता है। डेफिनेटली इस लैपटॉप को बाई करिए, यह लैपटॉप आपको ऑनलाइन ही काफ़ी सस्ते में मिलेगा, जिसको कि बाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के टाइटल पर क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन पर हो जाएगा, वहाँ पर लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ही सस्ते में मिल जाएगा।